हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टू एग्ज़ाम पॉइंट चैनल। ये माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है, उसमें बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर का डिस्कशन डिटेल में किया गया है। पहले वो वीडियो देखना चाहिए, उसके बाद ये वीडियो देखना चाहिए। इस पार्ट में हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टाइम लॉस ना करते हुए वीडियो आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अगर टाइम लॉस हुआ तो अपॉर्चुनिटी का लॉस हो जाएगा। जो अपॉर्चुनिटी अभी मिली हुई है उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है अगर, तो डीप स्टडी की ज़रूरत है, कंटिन्यूस स्टडी की ज़रूरत है। तो इसी सीरीज में ये हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नए वीडियो आपको तुरंत दिख जाएँ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मोटिवेशन के लिए, और थैंक यू इसके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, 8085 माइक्रो प्रोसेसर, एक्चुअली फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 4004 था, उसके बाद 8008 आया, फिर उसके कुछ साल बाद 1973 में 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ इंटेल कंपनी से ही। इसमें कोई भी माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन में, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, सबका डिटेल डिस्कशन हुआ था। तो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसमें यूज्ड डेटा बस सबसे पहले नंबर पर, डेटा बस आता है, कितने बस का डेटा बस है, एड्रेस बस, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये तीन पॉइंट तो पहले आते हैं कि प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन में। सबसे पहले डेटा बस, तो ये इसका डेटा बस 8 बिट का है, ठीक है, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए करते हैं। और इसमें जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी यूज हुई है वो 5 to 8 मेगाहर्ट्ज़ है, यानी कि 5 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 8 मेगाहर्ट्ज़, ये डिपेंड करता है 8085 का कौन सा वर्जन यूज में है। अब डेटा बस बता ही चुके हैं 8 बिट का है। डेटा बस क्या है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर है वो एट ए टाइम मैक्सिमम कितने बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड एज डेटा बस, ठीक है। ये 8 बिट का डेटा बस है, तो यानी कि इसमें जो डेटा होगा किसी न किसी हम रजिस्टर में सेव करेंगे, तो 8 बिट का रजिस्टर होगा, जैसे ये दिखा है D7 to D0, डी फॉर डेटा, ये LSB है। उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा MSB। तो ये 8 बिट का डेटा बस है। अब डेटा बस एक्चुअली क्या है, बंच ऑफ वायर्स, अगर हम इसको डिटेल में मीनिंग बताएं, बंच ऑफ वायर्स, और वैंड वन वायर कैन कैरी 1 or 0 बिट, एंड 1 इज द हाई वोल्टेज एंड 0 इज द लो वोल्टेज। तो उस वायर में जो भी वोल्टेज फ्लो हो रहा होगा, जो भी वोल्टेज उसमें कैरी कर रहा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें बिट हो जाएगा, 1 या 0 हो जाएगा। तो देयर विल बी 8 वायर्स, यानी 8 पिंस विल बी अलॉटेड फॉर डेटा बस। जो 8085 प्रोसेसर है वो 40 पिन की IC है, उसमें से 8 पिन तो हो जाएगा डेटा बस के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एड्रेस बस 16 बिट का है। यहाँ पर एड्रेस बस का काम क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने बता दिया है। एड्रेस बस से हम मेमोरी में हमारा डेटा या इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड कहाँ पर सेव है, उसका एड्रेस एड्रेस बस से निकलता है। तो 8085 की जो मेमोरी है वो 64 KB की है। 64 KB का मतलब हुआ 65536। ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये सब कुछ डिटेल में है फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर एड्रेस बस 16 बिट है, देयर विल बी 16 वायर्स, एंड द मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी लोकेशंस विल बी 2 to the power 16, ठीक है। 2 to the power 16 क्यों है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। यहाँ पर उसको हम डिटेल में, कि टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा एड्रेस बस हो गया, यानी कि अब वही चीज़ A0 से लेकर के A15, तो देयर आर 16 लाइंस फॉर द एड्रेस बस। और ये 40 पिन की IC है, तो अगर हम 8 पिंस को दे दिए हम डेटा बस के लिए, और 16 पिंस दे दिए हम
एड्रेस बस के लिए, तो 16 प्लस 24, 24 पिंस तो सिर्फ इसी के लिए हो जाएंगी, बचेगा मात्र 16 पिंस, जबकि उसमें से एक पिन रहेगा PVCC, एक पिन रहेगा ग्राउंड, दो पिन अलॉटेड है फॉर क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए, तो ये सब तो है ही है, मतलब फिक्स पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कंट्रोल सिग्नल्स हैं, वो कहाँ पर एलोकेट किए जाएंगे, तो इसी को डिस्कस करेंगे क्या इसका सोल्यूशन आएगा। तो हमने बताया था पहले ही कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज इन्वेंटेड इन 1971 एंड इट वाज 4004। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इट वाज अ 4-बिट प्रोसेसर। 4-बिट प्रोसेसर मीन्स द डेटा बस स्ट्रेंथ इज 4-बिट। इसका डेटा बस की जो कैपेसिटी थी वो क्या था, 4-बिट का, एट मैक्सिमम 4-बिट डेटा वो प्रोसेस कर सकता था एट ए टाइम। और इसकी जो एड्रेस बस था वो 10-बिट का था, तो 2 to the power 10, 1024 नंबर ऑफ लोकेशन कैन बी असाइंड विद द हेल्प ऑफ 10-बिट एड्रेस बस। ठीक है, तो ये वही 1KB से स्टार्ट हो जाता है, वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में है। अब इसके बाद इसके जो स्पेसिफिकेशन में नेक्स्ट आता है क्लॉक फ्रिक्वेंसी, दैट वाज 108 kHz, वो 108 kHz थी। तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी से हमको टाइम पीरियड निकलता है, टाइम पीरियड में हमने ट्रिगरिंग बताई थी, देर आर 3 टाइप ऑफ क्लॉक पल्सेस एट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिगर, राइजिंग एज, फॉलिंग एज, लेवल एज। तो जो भी ट्रिगर है यानी कि हम जो भी कमांड है वो कब एग्जीक्यूट होगा, वो इन तीनों में से कोई एक अप्लाई होता है, यानी कि मतलब मिनिमम 1 टाइम पीरियड इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो 1T इज द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोसेस टाइम। तो हम इसका निकालते हैं कि 1T क्यों है, 1T क्या होगा, इसका रीजन है क्यों 1T हम निकाल रहे हैं, क्योंकि जो पहले बार ये इन्वेंट हुआ था 4004, वो एक्चुअली है तो ये IC, तो वाई इट वॉज नेम्ड एज माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम माइक्रो प्रोसेसर क्यों पड़ा, प्रोसेसर समझ में आया, क्योंकि प्रोसेसिंग कर रहा है ये, और उसकी पहली की जो ICs वो प्रोसेसिंग नहीं करती हैं, वो ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगी, जैसे XOR गेट हो गया, ठीक है, सर्टेन टास्क ही करती है, लेकिन ये क्या प्रोसेसिंग करता है, मल्टीपर्पज मल्टीटास्किंग है ना, इसके डेफिनेशन को हमने बताया है उसमें इंट्रोडक्शन में, तो उसके हिसाब से। लेकिन इसका माइक्रो प्रोसेसर नाम क्यों पड़ा, तो यहां से क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम पहले टाइम पीरियड निकालते हैं कितना आएगा, तो टाइम पीरियड आ रहा है 1/100, क्योंकि 108 kHz है, तो ये हो जाएगा 108000 डिनोमिनेटर में, सेकंड में यूनिट आएगी, तो आ जाएगा 9.26 माइक्रो सेकंड। अब यहाँ जो प्रोसेसिंग टाइम है वो माइक्रो में आ रही है, माइक्रो सेकंड्स में आ रही है, दैट्स वाई इट वाज नेम्ड एज माइक्रो प्रोसेसर। और अगर हम यही बात मान लें तो अभी का जो रिसेंट प्रोसेसर है मोबाइल में है या तुम्हारे लैपटॉप में, वो गीगाहर्ट्ज में, उसको कैलकुलेट करोगे और टाइम पीरियड, तो आएगा नैनो सेकंड्स के अराउंड, तो नैनो सेकंड में आ रहा है, तो इसलिए इसका जो प्रोसेसर है वो नैनो प्रोसेसर बोलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 था और आज के प्रोसेसर में बहुत अंतर है। वो पहले का प्रोसेसर की जो कैपेसिटी थी, जो स्पेसिफिकेशन था, जो वर्किंग थी, और आज के तुम्हारे लैपटॉप में जो अभी चल रहा है, तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उसको माइक्रो प्रोसेसर की ही फैमिली का है, वो माइक्रो प्रोसेसर का ही सीरीज का है, लेकिन उन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसलिए इसका नेम अब माइक्रो प्रोसेसर 8085 के बाद आया, 8086 आया है, ठीक है, फिर और आगे चला 8088 आया, फिर 80186, 80286 है, इस तरह करते करते फिर पेंटियम सीरीज आई, क्योंकि जो अब ये 186286 होने लगा, तो उसके भी वर्किंग बहुत ज़्यादा अंतर हो गया, तो उसका नाम माइक्रो प्रोसेसर रखना मतलब इलॉजिकल लगा, क्योंकि ये जो 8085 कर रहा है उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, इसलिए पेंटियम सीरीज आई, और अभी आई सीरीज इंटेल, ये सब इंटेल के ही इन्वेंटेड सब है, और भी कंपनी आई माइक्रोसॉफ्ट बनाती हैं, लेकिन अभी जो फेमस है वो इंटेल का ही है, तो इसलिए अभी आई सीरीज चल रहा है, और सुपर कंप्यूटर भी चल रहा है, सुपर कंप्यूटर लैब में है, और आने वाले टाइम में वही सुपर कंप्यूटर तुम्हारे लैपटॉप में भी आ जाएगा, तो वो सुपर कंप्यूटर अब माइक्रो प्रोसेसर से तो बहुत आगे है ही है, तो उसका भी नाम अलग से रखा जाएगा, तो वही कारण है कि ये माइक्रो प्रोसेसर था, लेकिन अब नैनो प्रोसेसर या पीको प्रोसेसर इस तरह के नाम नहीं रखा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर
मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ पर अपने पहले बताते हैं प्रॉब्लम कि अगर डेटा बस के 8 बिट है और एड्रेस बस के 16 बिट है, दोनों अलग अलग हम पिन एलोकेट कर दें 24 पिन हो जाएंगी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया कि हम कुछ पार्ट एड्रेस बस का और पूरा डेटा बस को हम एक ही मतलब कुछ नंबर ऑफ पिन में हम इसको शेयर करा देते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस। तो वो क्या है उसको आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैसे ये माइक्रो प्रोसेसर 8085 का है तो ये 40 पिन की आईसी है। 40 पिन आईसी का मतलब 20 पिन लेफ्ट साइड में 20 पिन राइट साइड में रहेगा। और यहाँ पर जो पिन है वो उसकी नंबरिंग नहीं दी रहती है कि कौन सा पिन किस नंबर का है, वो देखने पर नहीं चलेगा। तो उसको क्या तरीका क्या है कि जो 8085 की जो आईसी होगी या कोई भी आईसी होगी उसको अपने सामने रखो, जिस तरह से जो लिखा हुआ इसका नाम इस सामने तुम्हारे रीडेबल हो इस फॉर्मेट, और भी कंपनी का नाम लिखा रहेगा तो इस तरह से रखो कि वो तुम्हारे सामने सीधा रहे मतलब। तो और यहाँ पर एक नॉच बना होता है इस तरह से, न भी बना रहे तो ये तो रहेगा ही बहुत है। तो यहाँ की क्या लेफ्ट से लेफ्ट टॉप से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 इस तरह से करते करते आधे तक जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा मतलब उसकी नंबरिंग, मतलब जैसे कि ये है यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 से लेकर के 20 तक हुआ, फिर 21 से आएगा कहाँ पर 40 तक आ गया, ये हमारा होगा 8085। यही प्रोसेस किसी भी आईसी में रहेगा ठीक है। अब यहाँ 1 और 2 तो हो जाएगा, X1 X2 रहेगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर पर क्रिस्टल यहाँ पर अटैच हो जाएगा ठीक है। 20 पिन नंबर 20 वो ग्राउंड के लिए GND या VSS इस तरह बोलते हैं, और 40 जो पिन नंबर है वो VCC 5 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए यूज होता है, ये फिक्स है ठीक है किसी भी आईसी में ये तो रहता ही रहता है। माइक्रोप्रोसेसर में 1 2 फिक्स हो गया ठीक है। तो उसको आगे हम आगे बढ़ते हैं, और भी पिन है उसको पिन डायग्राम में डिटेल में देखेंगे, अभी फिलहाल हम बेसिक्स में चल रहे हैं। पर अब यहाँ पर हम ये AD0 एड्रेस बस और डेटा बस कमांडली बोला जा रहा है। AD0 कहाँ पर पिन नंबर 12 में है, AD0 पिन नंबर 12 में है यहाँ पर है, और उसके बाद AD7 है पिन नंबर 19, यानी AD0 से लेकर के AD7 ये हो गए 8 पिन। ये क्या हुआ मल्टीप्लेक्स्ड है, एड्रेस भी है और ए फॉर एड्रेस डी फॉर डेटा है ना, D0 से लेकर D7 और A0 से लेकर A7 ये दोनों के 8 पिन, 8 मतलब 8 बस 8 बिट का डेटा बस और 8 बिट का लोअर एड्रेस बस, इस दोनों शेयर किए गए हैं पिन नंबर 12 से लेकर के 19 तक। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। अब ये जब एक ही पिन में एड्रेस बस भी है और डेटा बस भी है तो कौन डिसाइड करेगा कि कब एड्रेस बस होगा की तरह ट्रीट होगा और कब डेटा बस की तरह ट्रीट होगा। तो जैसे ये है ना एड्रेस डेटा बस दिया हुआ है, अब ये शेयर किया हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट क्या है शेयर्ड है यहाँ से है ना, कहाँ से पिन नंबर 12 से लेकर के पिन नंबर 90 तक ये शेयर किया हुआ है। तो जब शेयर किया हुआ है क्योंकि 10 के फॉर्मेट ये भी रहेगा 10 ये फॉर्मेट, तो पहचान कैसे होगी कि जो डेटा है इन पिन में वो डेटा बस का है कि लोअर बाइट ऑफ एड्रेस बस का है ठीक है। तो इसके लिए ये हम A15 भी देख लो, A15 है पिन नंबर 28 और A8 है पिन नंबर 21। तो यहाँ से अब देखो A0 है पिन नंबर 12 इस तरह से 13 14, अब पिन नंबर 19 पर आ जाएगा A7 और 20 छोड़ दिया गया ग्राउंड के लिए, फिर 21 हो जाएगा A8, फिर 22 23 24 इस तरह करते करते A15 आ जाएगा 28 पे, इस तरह से इसका असाइन कर दिया गया। मतलब यहाँ से देखो 12 से स्टार्ट है 0 से लेकर के और हम यहाँ पर 20 को छोड़ देंगे, फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज ये दिया गया इस तरह से, सब याद करने के लिए 12 से स्टार्ट करो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से स्टार्टिंग है यहाँ से, और जैसे जैसे ये नंबर पढ़ेगा उस तरह से इसका ये 0 1 2 3 से बढ़ते बढ़ते A15 तक जाएगा। यहाँ पर हमको 20 जो पिन है वो स्किप करनी होगी क्योंकि यहाँ पर पहले से बताया है ग्राउंड लगा हुआ है GND ग्राउंड पिन है ये ठीक है। अब हम ये डिसाइड करना है कि अब कि ये क्या है, ये देखो ये हो गया हमारा एड्रेस बस और डेटा बस जो कि पिन नंबर 12 से लेकर के 19 तक है। एक कंट्रोल सिग्नल है एड्रेस लैच इनेबल ये पिन नंबर 30 पर अलाटेड है। अब यही डिसाइड करता है
कि जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस डेटा बस है कि कब ये लोअर बाइट ऑफ 16 बिट एड्रेस बस की तरह काम करेगा, लोअर बाइट, ठीक है, A7 से A0, बाइट मतलब 8 बिट, A0 से A7 लोअर बाइट है और A8 से A15 हायर बाइट ऑफ एड्रेस बस। तो लोअर बाइट ऑफ एड्रेस बस कब होगा और 8 बिट का डेटा बस कब होगा ये डिसाइड करेगा ALE, एड्रेस लैच इनेबल। कोई भी सिग्नल में अगर बार नहीं लगा ऊपर तो वो हाई इनेबल होता है, अगर बार लगा है तो लो इनेबल होगा। आगे एग्जांपल से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बार नहीं लगा तो क्या है, हाई इनेबल है, यानी कि अगर दैट इज इक्वल टू 1, इफ ALE इक्वल टू 1, हाई इनेबल होगा ये, इनेबल मतलब बार नहीं लगा तो 1 पर ये इनेबल हो जाएगा। इनेबल होने का मतलब ये पिन जिसके लिए रखी गई वो काम करेगा, किसके लिए रखेगी, एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस के लिए रखी गई है, यानी कि जैसे ही इफ ALE 1 हो गया तो ये जो AD7 to AD0 ये कन्वर्ट हो जाएगा A7 to A0 में, है ना। ALE 1 हुआ तो AD7 to AD0 इज A7 to A0। अब सेकंड है इफ ALE इक्वल टू 0, अब यहाँ पर क्या होगा, ये डिसेबल हो गया, ALE 0 मतलब ये एड्रेस की तरह काम नहीं करेगा, तो क्या काम करेगा, डेटा की तरह काम करेगा, डेटा बस की तरह हो जाएगा। तो यही जो मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस है वो हो जाएगा D7 to D0, यानी कि 8 बिट का डेटा बस की तरह काम करेगा, ठीक है। अब एड्रेस बस और डेटा बस के अलावा एक बस होता है कंट्रोल बस, जो कि कंट्रोल सिग्नल्स को मिला करके बोला गया है कंट्रोल बस। तो इसमें कई सारे कंट्रोल सिग्नल हैं, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कुछ, जैसे कि एक कंट्रोल सिग्नल तो यही है ALE ही है, ये भी कंट्रोल सिग्नल क्यों कंट्रोल कर रहा है ना कि AD7 to AD8 पिन क्या काम कर रही है, कंट्रोल ही है। अब ये कंट्रोल सिग्नल RD बार, अब जहाँ जहाँ बार लगे हैं वो क्या है, लो इनेबल, यानी कि RD बार रीड के लिए है, रीड होगा डेटा कब, जब ये जीरो होगा, लो इनेबल है इसलिए बार लगा, इसलिए अगर RD बार इक्वल टू 0 तो डेटा विल बी रीड। अब यहाँ डब्ल्यू आर बार भी लो इनेबल है, यहाँ ये पिन भी अगर 0 है तो लो इनेबल हो जाएगा, ALE बता ही चुके हैं। IU/M bar ये एक पिन है, पिन नंबर 34 है, तो उसमें इनपुट आउटपुट, IO मतलब इनपुट आउटपुट, M फॉर मेमोरी, तो दोनों काम एक ही पिन में करा जा रहा है। तो अगर वो पिन 1 पर है, 1 है, है ना, इस पिन की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन होगा, यानी कि जो डेटा होगा या तो इनपुट से आएगा या तो आउटपुट में डिस्प्ले होगा। दूसरा, अगर दैट पिन इज इक्वल टू 0 तब ये होगा मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन, यानी कि मेमोरी से डेटा या तो रीड होगा या तो मेमोरी में डेटा सेव होगा, ठीक है। तो इसलिए ये डिसाइड करता है INTR और INTA बार, INTR हाई इनेबल, INTA बार लो इनेबल, ये इंटरप्ट सिग्नल्स हैं फॉर इंटरप्ट पर्पज, 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर में यूज होता है, हैंडशेकिंग सिग्नल्स हैं। तो इसको आगे देखते हैं, अभी यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं और ये इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।